मंगलवार को चंडीगढ़ में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब भवन में NSUI द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिला मोहाली कांग्रेस युवा अध्यक्ष कंवरवीर सिद्धू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस मौके पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा भी रक्तदान शिविर में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मोहाली कांग्रेस युवा अध्यक्ष कंवरवीर सिद्धू ने अर्थ प्रकाश संवाददाता अजय चौधरी से बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी में जहां देश दुनिया पर हर तरफ से एक आफत टूट पड़ी है, वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर जन कल्याण कार्य किए जा रहे हैं। और इन्होंने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में हमेशा से जमीनी स्तर पर मानवता के लिए काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, आज कोरोना के दौरान जो आपने ब्लड बैंक लगाया, इसका क्या महत्व रहेगा? आज जो ये चंडीगढ़ में हमारा जो ब्लड बैंक है, NSUI की जो सारी टीम है, उन्होंने बड़ी मेहनत से आज ये सारा प्रबंध किया है। तो इसका जो खास मकसद है, एक श्रद्धांजलि है, जो गलवान घाटी में जो पिछले दिनों हमारे नौजवान जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको एक उनकी शहादत को हम सलाम करना चाहते हैं एक ब्लड डोनेशन कैंप करवा कर। सो मैं तो ये बड़ी मैं शलाघा करता हूँ इसकी, जो कदम इन्होंने उठाया है चंडीगढ़ NSUI के नौजवानों ने, और हमारे साथ पंजाब के अध्यक्ष भी आए हैं, प्रभारी साहब भी हमारे साथ हैं, और चंडीगढ़ की सारी टीम है, सब हुकुम जी हैं, राजकरण जी हैं। तो मैं सबको एक मैं कहता हूँ कि एक सलाम करता हूँ इनको भी, कि इन्होंने जो इतना एक अच्छा जेस्चर है, जो आज कोरोना के दौर में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। पिछले दिनों यूथ कांग्रेस ने भी ब्लड डोनेशन कैंप पंजाब में लगाए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से ब्लड बैंक्स में बहुत कमी चल रही है। सो ये अच्छा कदम है, इसको हम सलाम करते हैं, हमारे शहीदों को नमन करते हैं, और आगे भी जो यूथ कांग्रेस और ख़ास तौर पर NSUI जो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके जो जोश है वो लोगों की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हम सब मिलकर काम करते रहेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।